वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन। प्रियजनों, प्रभु यीशु आपको बुला रहा है अपनी महिमा में, अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना अनुग्रह आप पर प्रकट करने के लिए। जो उसकी बातों पर भरोसा करते हैं वो अपने हृदय में शांति महसूस करते हैं। प्रभु के वचन आत्मा और जीवन है। संत पेत्रुस ने कहा कि प्रभु हम आपको छोड़कर कहां जाएं, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। यह संसार दो चीजों से बना हुआ है जिसमें दो चीजें रहती हैं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक, अर्थात मटीरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भौतिक संसार जो है वो इच्छाओं की तृप्ति के पीछे दौड़ता रहता है और इंसान इन भौतिक चीजों के पीछे दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है और दौड़ता ही रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके मन में एक ही बात रहती है कि इच्छाओं की पूर्ति कैसे करें। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उसके द्वार पर खड़ी रहती है। बस इसी कशमकश में रहता है और पूरी जिंदगी भर सुख होने के बावजूद वो दुख के जीवन ही, दुख के दिन ही देखता है। कभी भी पूछो तो मुख से एक ही बात सुनने को मिलती है, अरे साहब क्या बताएं, अरे साहब ऐसा हो गया, अरे साहब है ही नहीं। किसी से पूछिए आप, किसी से पूछिए आप, आपका जीवन कैसा है। हो सकता है आपसे कहेगा बहुत कमाया, सब कुछ है, घर बार है, क्या करें भाई, सुकून नहीं है। पूछेंगे क्यों, तमाम जवाब हैं, एक के बाद एक एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, क्योंकि इंसान आध्यात्मिक जीवन की ओर कम बढ़ता है। बहुत कम लोग हैं जो इबादत में सच्चे हृदय से और सच्ची आत्मा से आराधना करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आत्मा कैसी है तो आप क्या जवाब देंगे मुझे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आत्मा कैसी है तो आप क्या जवाब देंगे? चलिए दूसरा सवाल पूछता हूं कि आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे मैं ठीक हूं। अगर आप हट्टे कट्टे हैं, शरीर ठीक ठाक है, तो आप कहेंगे अभी तो तंदुरुस्त हूं, अभी तो खाने पीने की उम्र है, जब तक उम्र है तब तक खूब खाओ पियो, देखा जाएगा जब होगा, बुढ़ापा आएगा तो देखी जाएगी। अभी शुगर नहीं है इसलिए खूब चीनी खाओ, मीठा खाओ, जब होगी तो देखी जाएगी। इस तरह के जवाब, और यही जवाब मैं आपसे, यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपकी आत्मा कैसी है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आपने अपनी तैयारी कर रखी है या नहीं? अगर मान लीजिए अभी बुलावा आ जाए तो हम तैयार हैं या नहीं? मैंने दो चीजों की बात की, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटीरियल वर्ल्ड। हम उन चीजों को बनाने का प्रयास करते हैं, उन चीजों के पीछे दौड़ते हैं जो नश्वर है, और एक जो चीज जो अजर है, अमर है, हम उसके पीछे नहीं दौड़ रहे हैं।
संसार उसके पीछे नहीं जा रहा है, बंगला बना रहा है, गाड़ियां खरीद रहा है, मर्सिडीज बेंज BMW ना जाने कितनी कितनी महंगी कारें और कितने महंगे आलीशान महल, इतने कमरे और इतना सब कुछ, लेकिन उसके अंदर बीमार पड़ा हुआ है, उसी घर के अंदर बीमार पड़ा हुआ है। शरीर भी बीमार, आत्मा भी बीमार। आत्मा यूं बीमार है कि धर्मशास्त्र के वचन पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। वो परमेश्वर जो जीवन दे सकता है और जीवन ले सकता है, उस पर विश्वास नहीं करता। वो परमेश्वर जो हमारी हड्डियों में जान डालता है, जो सूखी हड्डियों को फिर से हरा कर सकता है, हम उस पर ईमान नहीं लाते हैं, हम उस पर ईमान नहीं लाते हैं प्यारे भाई और बहन। और हम अपने ही अपराध बोध में, अपने ही कामों में, अपनी ही बातों में खोए रहते हैं, खोए रहते हैं। आप ये जान लीजिए, आज का वचन प्रभु ने ये दिया है, इफिसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 की, ईश्वर ने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया है। क्या किया है? ईश्वर ने सब कुछ ईसा मसीह के पैरों के तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार प्रदान किया है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सच्चा है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो अपने नाम की शपथ खाकर यह कहता है कि मैं इनके अपराध क्षमा कर दूंगा, इन्हें चंगा कर दूंगा, अगर ये मेरी बातों को मानेंगे तो मैं इनके पापों को इनसे इतना दूर कर दूंगा जितना पूर्व से पश्चिम दूर है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज का ये वचन, आज का ये मेरा मार्गदर्शन करे, मेरा मार्गदर्शन करे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उस परमेश्वर की बात करते हैं जो आदि में था, अब है और अनंत काल तक रहेगा। देखिए, परमेश्वर हमारा जीवन बदलता है, हमारे नाम नहीं बदलता हो, हमारे नाम नहीं, एक ही नाम लेकर उसने हमें बुलाया है, उसने हमारा नाम अपनी हथेली पर लिखा और वो जानता है कि आप कौन है, क्या है, किस मिट्टी के बने हुए। और वचन ये कहता है कि इंसान है क्या, इंसान है क्या, वो घास के फूल के जैसे हैं, सुबह को खिलता है, सूरज का ताप लगने से शाम को मुरझा जाता है, सूख जाता है, और लोग शाम को उठाकर उसे क्या करते हैं, आग में झोंक देते हैं और जल जाता। इंसान का जीवन ऐसा ही है, सुबह से शाम तक ऐसा ही, जिंदगी हमारी ऐसे ही गुजर जाती है, एक ऋतु आती है तो दूसरी चली जाती है। इंसान आता है, उसके जन्म लेने का समय है, मरने का समय, हंसने का समय, दुख का समय, सुख का समय, हर चीज का उसका अपनी अपनी चीजों का समय है। इंसान है क्या चीज? तो वो परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि तू ये मत भूल कि परमेश्वर ने सब कुछ ईसा मसीह के पैरों के तले डाल दिया है। तो इसलिए मैंने कहा, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पुनर्जीवित है, जो जिंदा है, जिसके नाम लेने पर प्यारे भाइयों और बहनों बदरूहें कांपती हैं, डरती हैं, दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं और छोड़कर भागती हैं, मुर्दे जी उठते हैं उसके नाम से। तो इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि वह पुत्र अर्थात यीशु मसीह अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब है। अर्थात यीशु इस धरती पर आया ये दिखाने के लिए कि जैसे वो है वैसे ही पिता दिखता है, वैसे ही परमेश्वर का रूप है। इसीलिए यीशु मसीह ने वही किया जो ईश्वर से सुना, और हम जानते हैं कि उसने कितने चिन्ह चमत्कार किए। काना के विवाह में उसने पानी को अंगूरी में बदल दिया, नाइम की विधवा के बेटे की अर्थी को स्पर्श किया तो वो जिंदा हो गया, लाजर की कब्र के सामने खड़े होकर उसने कहा लाजर बाहर आ तो लाजर बाहर आ गया, यरीखो के अंधे की आंखों को स्पर्श किया तो उसकी आंखों में फिर से रोशनी आ गई, जेरुस के घर में गया, उसकी बेटी से कहा तालिथा कुम्मी अर्थात ओ लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो उठ बैठी।
ये वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु है जिसको परमेश्वर ने सब कुछ पर अधिकार दिया है, जिंदगी पर, मौत पर, भाग्य पर, बीमारी पर, हर चीज पर अधिकार दिया है। और आज यदि आप विश्वास करते हैं तो आप ईश्वर की महिमा देखेंगे। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप सच्चे खुदा हैं, आप सच्चे खुदा हैं, आप लोगों का मन बदलते हैं, मन परिवर्तित करते हैं। हे प्रभु यीशु, शैतान के सारे हमले, बदरोहों के लक्षर जल कर राख हो जाएं। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 1:6 में कि ईश्वर के सभी दूत उसकी आराधना करें। क्या करें? आराधना करें। ईश्वर के सभी दूत, स्वर्ग राज्य में करोड़ों की और सैकड़ों की संख्या में लोग स्वर्गदूत हैं जो निरंतर उसकी आराधना करते हैं। अगले वचन में लिखा है कि वह स्वर्गदूतों को पवन बनाकर उड़ाता और अपने सेवकों को रूह के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। अपने सेवकों को कैसे इस्तेमाल करता है? आग के शोलों की तरह इस्तेमाल करता है। ये जो वचन आप सुन रहे हैं प्रभु के दास के मुख से, आपके जीवन में, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके घर में, ये ऐसा संदेश लेकर पहुंचेगा कि आपका हृदय बदल जाएगा। जो पहले प्रार्थना नहीं करते थे प्रार्थना करने लगेंगे, जो प्रायश्चित नहीं करते थे वो प्रायश्चित करने लगेंगे, जो परमेश्वर से दूर थे वो परमेश्वर के नजदीक आ जाएंगे, जो परमेश्वर का ठट्ठा करते थे अब वो परमेश्वर का आदर करेंगे। उन्हें करना होगा, क्योंकि महामारी का जो दंश पिछले 2 वर्षों से हम सहन कर रहे हैं, ये महामारी का जो वर्ष था मसीहों के लिए और लोगों के लिए प्रायश्चित का समय था परमेश्वर ने जो दिया। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर ने वचन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है और वो आपके मन को परिवर्तित कर रहा, क्योंकि उसने इन दिनों में अपने दासों को आग के रूह के शोले बनाकर उसने इस्तेमाल किया और स्वर्गदूतों को वो पवन बनाकर उड़ाता है। पवन बनाकर उड़ाने का तात्पर्य ये है कि वो अपने दूतों को आदेश देता है, जाओ उस जगह पर और अधिकार लो, जाओ उस जगह पर मेरे दास की देखभाल करो, जाओ उस जगह पर मेरे शागिर्द की देखभाल करो। इस तरह से प्यारे भाइयों और बहनों इस बात को कहा गया है। तो इब्रानियों का पत्र अध्याय 1:8-13 में यदि आप वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि तेरा सिंहासन युग युगों तक बना रहता है, तेरा सिंहासन युग युगों तक बना रहता है, तेरा राजदंड न्याय का अधिकार दंड है, तुमने न्याय का पक्ष लिया और अन्याय से बैर किया, इसलिए ईश्वर ने तुझे तेल से अभिषेक किया है। प्रभु तुमने आदि में पृथ्वी की नींव डाली, वे तो नष्ट हो जाएंगे किंतु तुम बने रहते हो, वे सब वस्त्रों की तरह पुराने हो जाएंगे लेकिन तुम चादर की तरह उन्हें समेट लोगे, वे वस्त्र की तरह बदल दिए जाएंगे किंतु तुम एक रूप रहते हो, तुम्हारे वर्षों का कोई अंत नहीं है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप आदि और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा हैं। हे प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे काम काज में सफलता प्रदान करते हैं। हालेलुया। सुनिए ध्यान से बाइबल क्या कहती है, क्या उसने ऐसा कभी किसी स्वर्गदूत से कहा कि तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं, अर्थात तुम्हारा पावदान न बना दूं? क्या किसी स्वर्गदूत से कहा? नहीं प्यारे भाई और बहनों, किसी से भी नहीं कहा। केवल ईसा मसीह से उन्होंने ऐसा कहा कि तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूं। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28:18 में
प्रभु का वचन कहता है कि ईसा ने उनके पास आकर कहा कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार है, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार है। तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, इज़राइल का परम पावन ईश्वर हमारे साथ है तो हम क्यों डरें? वो अपने वादों को पूरा करता है, वो अपने भक्तों की ढाल है। जैसा उसने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी वैसा ही उसने इसराइलियों के साथ किया। मिस्र की गुलामी से उन्हें छुड़ाया, दूध की तलवार से उनकी रक्षा की। जिन घरों पर मेमने का रक्त पुता हुआ था केवल वही घर छोड़े गए थे और बाकी के सब मौत के घाट उतार दिए गए थे। कहने का तात्पर्य ये है, फसा का जो पर्व था, जो पास्का का पर्व लोग मनाया करते थे, उसकी निशानी ये थी कि वो एक मेमने को बलि चढ़ाकर उसका रक्त जो लेकर अपने चौखटों पर परमेश्वर ने पोतने का आदेश दिया था, ताकि ये निशानी होगी कि ये परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, इसीलिए वो दूध की तलवार से उन्हें बचाता है। और नई व्यवस्था में वही बात प्यारे भाइयों और बहनों हमें याद दिलाती है कि यीशु मसीह ने अपना जो रक्त बहाया, उसने एक बार बलि चढ़कर पूरी मानव जाति के लिए प्रायश्चित किया, मेरे और आपके गुनाहों के लिए प्रायश्चित किया। धोखा आप देते थे लेकिन प्रभु ने अपने ऊपर लिया, बुराई आप करते थे, यीशु ने यह गुनाह अपने ऊपर लिया, झूठ आप बोलते थे लेकिन प्रभु ने यह गुनाह अपने ऊपर लिया, कत्ल लोगों ने किए लेकिन उसकी सजा यीशु मसीह ने भुगती। इसलिए प्रियजनों, बिना गुड फ्राइडे के ईस्टर नहीं है, बिना गुड फ्राइडे के ईस्टर नहीं हो सकता। बिना दुख सहन किए कलवरी की यात्रा किए हुए कोई भी पुनर्जीवन नहीं देख सकता। बिना दुख सहे, जिसने कभी दुख देखा ही नहीं उसे क्या पता है प्यारे भाइयों और बहनों की आनंद क्या चीज है। आनंद तो उसे अनुभूति होती है जिसने हमेशा अपना जिंदगी दुख में गुजारी हो और एक दिन उसका दुख समाप्त हो जाए और आनंद उसके द्वार पर आकर खड़ा हो जाए तो उसे लगता है मैं आनंदित हूं क्योंकि मेरा दुख समाप्त हो गया है, मेरी बीमारी समाप्त हो गई है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा इब्राहिम से, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम तुम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा, मैं तेरे संग रहूंगा, तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। ये वादा आज आप लोगों के साथ है, ये बात आज आपके साथ प्रभु कर रहा है कि तुम मेरे पास आओ, देखो कि मैं तुम्हें आशीष और बरकतें प्रदान करूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ भी चलूंगा, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसा मैं अपने नबियों के साथ रहा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यर्मिया, यज़ेकियल, इनके साथ मैं चलता रहा, मैं अपने स्वर्गदूतों को इनके साथ रखता था, दानियल के साथ मैं रहता था, पवित्र आत्मा उसके साथ रहता था, वैसे मैं तुम्हारे साथ भी चलूंगा। यदि तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे तो मेरी महिमा देखोगे। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, विश्वास करना, बिलीव दैट ही इज विद यू। इस जहां को, इस कायनात को चलाने वाला, बनाने वाला एकमात्र यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। आप उससे बातें करना, परामर्श करना अपने जीवन के विषय में, अपनी जिंदगी के विषय में। न विवाहित लोग आने वाले जीवन के विषय में प्रभु से परामर्श करें, अपनी संतानों के विषय में परामर्श करें, प्रभु को समर्पित कर दें आज आपका दिन, आपका जीवन। बुजुर्ग माता पिता समर्पित हो जाएं, बच्चे, नवयुवक, युवतियां समर्पित हो जाएं। समर्पण का ये समय है, प्रायश्चित का ये समय है और प्रभु आपको अनुग्रहित कर रहे हैं। He is blessing you tonight. आज आपकी चौखटों और आपके हर एक चीज को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, उसका वादा आपके जीवन में पूरा हो जाए। जैसे मैं
मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तेरे आगे चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा मत, अपनी तू सोच लगा, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा मत, अपनी तू सोच लगा, मैं सुना चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था, धन्यवाद चलूंगा, थैंक यू जीसस, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था, चलूंगा। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ, मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ, सोच ना कि मैं दूर हूँ, तेरे आगे चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा, के साथ था, तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा, तेरे भी चलूंगा। इसलिए प्रभु ये कहता है, वचन में हम पढ़ते हैं तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17, मैं बात कर रहा था आपसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की और मटेरियल वर्ल्ड की, कि दुनिया, इंसान, यहाँ तक कि मसीह लोग भी इस सांसारिक और भौतिक चीजों के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए प्रभु ये कहता, वचन में बताता है कि तुम उस चीज के लिए मेहनत क्यों करते हो जो नश्वर है, आत्मा जो अजर और अमर है उसकी तैयारी क्यों नहीं करते हो। तो प्रभु का वचन कहता है, पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय पद संख्या 17, कि इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। कहता है धनियों से अनुरोध करो, धनियों से अनुरोध करो कि ईश्वर पर भरोसा रखें, घमंड ना करें,
नश्वर धन संपत्ति पर घमंड ना करें, गर्व ना करें, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वो हमारी जरूरत की चीजें, हमारे उपभोग की चीजें वो क्या देता है, पर्याप्त मात्रा में हमें देता है। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ये कहता है कि ये लोग भलाई करें, ये लोग सत्कर्म कर्म करें, दानशील और उदार बन जाइए। ना केवल धन में आप दानशील और उदार बने, परंतु सेवा में भी उदार बने, विनम्रता में उदार बने, क्षमा करने में उदार बन जाएं, एक दूसरे को आशीर्वाद देने में उदार बन जाएं। आप लोगों का स्वभाव ऐसा हो जाए जैसे एक दानशील व्यक्ति का होता है। किसी को जय यीशु कह देने से हम छोटे नहीं हो जाते, किसी को आशीर्वाद देने से हम छोटे नहीं हो जाते। अगर किसी ने नई गाड़ी खरीदी है तो उसकी प्रशंसा करने से हम छोटे नहीं हो जाते। प्रभु ये कहता है अपने जीवन से घमंड, गर्व, ईर्ष्या ये सब कुछ त्याग दो। किसी के जीवन में कोई बात उन्हें प्रभु ने दिया है वरदान, तो उसकी प्रशंसा करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। लिखा है अगले वचन में पद संख्या 19 में, इस प्रकार वे अपने लिए एक ऐसी पूंजी एकत्र करेंगे जो भविष्य का उत्तम आधार होगी, जिसके द्वारा वे वास्तविक जीवन प्राप्त करेंगे। प्रभु ये कहता है अगर तुम दानशील हो गए, अगर तुम उदार दिल हो गए, अगर तुम सेवा करने वाले हो गए, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम एक ऐसी पूंजी एकत्र करोगे जो भविष्य का उत्तम आधार होगी, परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक आपको बना देगी, और वो जो विरासत आपके लिए रखी गई है, वास्तविकता का जीवन, अनंत जीवन आप उसके जरिए प्राप्त करेंगे। बोलिए आमेन, 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 आमेन। तो परमेश्वर चाहता है कि आप संपन्न रहें, परमेश्वर चाहता है कि आपका कल्याण हो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपकी उन्नति ना हो, वो तो हमेशा चाहता है कि आपका कल्याण हो। यूदस के पत्र में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहता है कि आपका सब बातों में कल्याण हो। जैसे आपका शरीर स्वस्थ है, जैसे आपकी आत्मा स्वस्थ है, शरीर भी स्वस्थ रहे। ये वचन हमसे बातें करता है और कहता है धन होना बुरी बात नहीं है, मैं धन के खिलाफ नहीं हूं, पर धन का लोभ बुरी बात है। धन संपत्ति पर आशा रखना, लोभ करना बुरी बात है। कोई भी अपने पैसे से जीवित नहीं रह सकता। अगर ऐसा होता तो कोरोना काल में इतने लोग स्वर्ग सिधार गए, कोरोना के वायरस के कारण उनके पास पर्याप्त पैसा था, उनके पास पर्याप्त धन संपत्ति थी। लेकिन वचन हमें बताता है धन संपत्ति किसी के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती है। इसलिए वचन ये कहता है कि तू धन पर और अपनी संपत्ति पर भरोसा मत कर, अपनी बुद्धि पर भरोसा मत कर। अगर भरोसा करना है तो परमेश्वर पर कर और गर्व उसके ऊपर कर। परमेश्वर पर आशा रखना, क्योंकि वो आपको खुले हाथों देता है। तो जब आप उस पर भरोसा रखते हैं तो वो ना केवल आपको धन संपत्ति देता, पर उस धन का आनंद लेने की कृपा भी आपको क्या करता है, प्रदान करता है। यह धन वह है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी वह देता है। दुनिया में बहुत से लोग धनी हैं, लेकिन वे धन का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है यह धन गलत तरीके से कमाया हो। कई लोगों का धन बैंक के लॉकर में पड़ा हुआ है, उनके चले जाने के बाद वो लॉकर बंद ही रहता है, कोई खोलता नहीं है उसे, उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग जमा करके रखते हैं, बटोरते हैं, लेकिन रात को हृदय घात हो जाता, चले जाते हैं। आप जरा विचार करके देखिए कि एक घंटे के अंदर दुनिया में कितने लोग मरते हैं और चले जाते हैं। कितनों ने कमाया, कितनों ने रखा, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। कई मनुष्यों की दशा ऐसी है, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता, बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा था, दिन रात धन संपत्ति के पीछे दौड़ता और कमाता रहा, कमाता रहा। एक दिन अचानक मृत्यु उसके द्वार पर आकर खड़ी हो गई, कहने लगी चल भाई उठ, तेरा समय हो गया, जाना है। वो अनुनय विनय करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा अरे अभी तो मैंने इकट्ठा ही किया है, अभी तो जो मैंने इकट्ठा किया उसका आनंद ही नहीं लिया है।
तो एक काम कर, मुझे एक दिन दे दे जिससे कि मैंने जो कमाया है उसका आनंद ले सकूं। मौत ने कहा, तू एक दिन तो क्या, एक घंटा तो क्या, मैं तुझे एक क्षण भी नहीं दे सकती। और इंसान की जैसी फितरत है, वो कहने लगा कि तू मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा ले ले और मुझे एक घंटा दे दे। मौत ने कहा, तेरा समय पूरा हो चुका है, मैं तुझे एक घंटा तो क्या, एक क्षण भी नहीं दे सकती हूं, और अब तुझे चलना होगा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया। एक व्यक्ति के खलिहान में बहुत सारी फसल हो गई। उसने क्या किया, जमा करना शुरू किया और कहा, मनी मन सोचा उसने कि अब इस साल मेरे पास बहुत सारी फसल हो गई, मैं पुराने बखानों को, गोदामों को तोड़ूंगा, नए बनाऊंगा और उसमें जमा करूंगा और कहूंगा, ए मेरी आत्मा खुश हो जा, खा पी और ऐश कर, अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में उससे कहा, रे मूर्ख, आज रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे, अब तू ये बता, जो तूने इकट्ठा किया है वो किसके लिए होगा? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले परंतु अपनी आत्मा को गंवा दे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस, बी अवेयर ऑफ योर सोल, बी केयरफुल अबाउट योर सोल। अपनी आत्मा के विषय में आप लोग क्या रहे, चिंतित रहे, क्योंकि शैतान आत्मा को बिगाड़ने, उसको कुरूप करने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है। जानते क्यों? क्योंकि शरीर तो मिट्टी में मिलके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आत्मा कहां जाएगी, जहां से ये आई है, ये परमात्मा में जाकर मिल जाएगी। इसीलिए ये अगर अच्छी होगी तो इसे स्वर्ग राज्य में पनाह मिलेगी, और अगर इसने अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया, ये पवित्र नहीं की गई, ये शुद्ध नहीं की गई, तो ये क्या होगी, परमेश्वर की महिमा से वंचित रहेगी। क्योंकि पुनर्जीवन के समय मेरे और आपके शरीर जो हैं ऐसे नहीं होंगे जो ऐसे अब हैं, ये शरीर वैसे होंगे जैसे कि परमेश्वर दिखता है, जैसे कि वो महिमा में है, जैसे कि वो महिमा में है। वो शरीर वैसा होगा जैसा कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद, प्यारे भाइयों और बहनों, उनको वो शरीर मिल गया था, महिमा में शरीर। हमारे शरीर महिमा में हो उठेंगे, इसलिए अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करना, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपकी आत्मा स्वर्ग पहुंचे और परमेश्वर के राज्य में वो रहे। तो कई लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, इन अनभिज्ञ हैं, इसलिए सांसारिक चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रभु हमें आमंत्रित करता है, आइए हम उसके पास चलें। हम वचन में पढ़ते हैं अध्याय 37, भजन संहिता अध्याय 37, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित कीजिए, उस पर भरोसा रखिए और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तीसरा वचन है, प्रभु के सामने मौन होकर उसकी प्रतीक्षा करें। चौथी बात है, क्रोध ना करें, आवेश को छोड़ें, घमंड करना छोड़ें और झुंझलाएं ना। पांचवीं बात है, बुराई से बचते रहें, भलाई करें और तुम्हारा निवास, प्रभु कहता है, सदा बना रहेगा। ये पांच बातें आज प्रभु हमें बताता है कि हम उसके पास चलें। पहली बात मैंने कहा, प्रभु में अपना आनंद पाइए तो आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा, मनोरथ मतलब इच्छा। दूसरी बात, प्रभु को अपना जीवन अर्पित कर दें, उस पर भरोसा रखें और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तीसरी बात, प्रभु के सामने मौन होकर उसकी दया की प्रतीक्षा करें। चौथी बात, क्रोध करना छोड़ दें, आवेश में ना आए, झुंझलाएं नहीं और घमंड ना करें। पांचवी बात, बुराई से बचते रहें, और प्रभु का वचन कहता है कि वो तुम्हारा निवास अर्थात तुम्हारा घर सदा बना रहेगा, क्योंकि वो अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता।
वो उनकी सदा रक्षा करता है। आइए हम प्रार्थना करें। ये चंगाई का समय होगा, इस वक्त हम डिलीवरेंस प्रेयर आप सबके लिए करेंगे। परमेश्वर जिसने आपको अपने वचन से संबोधित किया है, आपको आशीष और रूह का दुगना मसा प्रदान करें। जितने भी लोग बीमार हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, इस वक्त बड़े विश्वास के साथ प्रभु के हजूरी में आप उपस्थित हो जाएं, प्रायश्चित करते जाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है।